मोगोनशान ने चीयू भाई के घर में रेड कलर को देख के उसे ब्लड समझ लिया और वो उससे डरने लगा था। तो फिर खाना खाते वक्त जब चीयू भाई क्रैब लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाता है, तब मोगोनशान उसे अवॉइड करने के चक्कर में हितियान के करीब जाने लगा। मतलब अनजाने में ही उसके हाथ में जो क्रैब था वो हितियान के मुँह के करीब पहुँच गया। जैनी और जैंगशी तो उसे देखते रह गए कि मोगोनशान अपने हाथों से उसे खिला रहा है, और हितियान ने भी कहा कि छोटू मो मुझे खिलाने की जरूरत नहीं है, तुम खाओ। तो फिर मोगोनशान भी उसे दूर होता है कि नहीं मैं ये नहीं कर रहा था। फिर खाना हो जाने के बाद चीयू भाई ने पूछा कि खाना खा लिया, अगर खा लिया है तो फिर गैराज साफ करने जाओ। मतलब कि वो किंग क्रैब फ्री में नहीं था, लेकिन वो चारों के चारों बहाना मार के जाने लगे कि कुछ इम्पोर्टेंट काम आ गया है तो अब हम निकलते हैं। बाहर तेज बारिश हो रही थी, तो मोगोनशान कहता है कि इस तरह से तेज बारिश में वॉक पे निकलना कुछ ज्यादा ही नहीं हो गया। हितियान ने कहा कि इतना तो चलता है, लेकिन जब ना चले वैसा हो गया, तेज बिजली कड़कने लगी। तब वो लोग भाग के चीयू भाई के घर वापस आ गए। चीयू पूछता है कि तुम लोग वापस क्यों आए। वो अभी तक वहीं का वहीं बैठा हुआ था, मतलब उसे पता था कि वो लोग वापस आने वाले हैं। चारों के चारों काम पे लग गए थे, और जानी कहता है कि हम तो बस बाहर अपने गंदे कपड़े धुलवाने गए थे। हितियान मोह से कहता है कि छोटू मोह तो बहुत ही दिल लगा के सफाई कर रहा है। मोगोनशान कहता है कि ऐसा मत कहो, चीयू भाई ने हमारी पहले बहुत मदद की है। हितियान कहता है कि तुम तो उसे घिस घिस के ऐसे चमका रहे हो जैसे उसे गले लगा के सोने के लिए अपने साथ घर ले जाना चाहते हो। मोगोनशान ने उसे गाली देके यहाँ से जाने के लिए कहा, लेकिन हितियान यहाँ से नहीं गया और बिना पल के झपकाए बस उसे देखता रहा। तभी बिजली चली गई। अंधेरे में हितियान मोगोनशान के पास आया, उसके कपड़ों में हाथ डाल के उसे हग किया और कहा कि मो भाई मुझे अंधेरे से डर लगता है। तभी जानी और जैंगशी कैंडल लेके आ गई। जैंगशी ने कहा कि अंधेरे से डर लग रहा है, ये लो कैंडल। तुरंत ही मोगोनशान हितियान को अपने से दूर करने गया, लेकिन एक तीर में दो निशाने लग गए, हितियान को भी लग गई और मोमबत्ती को भी लग गई। मोमबत्ती उड़ गई और जो ऑयल के कैन पड़े हुए थे उस पे लैंड करती है। मतलब कि अब दिवाली आने वाली है। चीयू भाई बिजली वापस लाने के लिए रिपेयरिंग कर रहा था, तभी उसने अंदर से चिल्लाने की आवाज सुनी, तो वो अंदर देखने गया और उसने देखा कि अंदर आग लग चुकी थी। वो बोलता है कि मुझे कब से बैड फीलिंग आ रही थी, तो वो यही था। उसने सारी आग बुझा दी और चारों के चारों को दो दो घूंसे लगा के बिठा दिया। पहले तो उसने जानी के फेस पर पट्टे से स्लैप लगा के पूछा कि क्या वो तुम थे जिसने मेरे घर पे आग लगाई। जानी ने तुरंत ही कह दिया कि वो मैं नहीं था, वो लाल था। लाल बेचारा असहाय बन गया, उसके दोस्तों ने उसे धोखा दे दिया। चीयू भाई बहुत ही गुस्से में बीड़ी फूंकता हुआ उसके सामने आया और कहा कि बदमाश अब बताओ कि इसका पैसा कैसे चुकाऊंगे। मोह झा की वाइन की पूरी बोतल गटक जाता है और बहादुरी से बोल ही देता है कि मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे मार सकते हो। हितियान भाग के गया और वो बोतल चेक की कि ये बस कुकिंग वाइन है जो गंदी स्मेल दूर करके फ्रेग्रेंस लाता है, और जानी पता नहीं नौटंकी करा था या फिर सच में वो भी एक वाइन की बोतल लेके पीने लगा कि लाल अकेला क्यों सारी सजा भुगतेगा, मैं भी 3 कप पीकर खुद को सजा दूंगा।